हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों के पलम उत्पादक हजारों बागवानों को पलम के आशानुरूप दाम मिलने से खुशी का माहौल है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान बागवानों में अपनी फसल को लेकर मायूसी थी। उनके पलम की मार्केटिंग कैसे होगी, कैसे पलम तुड़वान के लिए मजदूरों का बंदोबस्त होगा, लेकिन सरकार की ओर से बागवानों को फसल मंडी पहुंचाने व बाहर से मजदूर को लाने में मिली मदद से उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। अन्यथा बागवानों में डर था कि उनकी फसल को खरीदने वाले कोई नहीं मिलेंगे, ना ही मजदूर, ऐसे में पेड़ों में ही पलम फसल सड़ जाएगी, ऐसे में साल भर का गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। अब हालात सामान्य होने के बाद निरसू, दत्तनगर, डकोल्ट, रचोली व आसपास के इलाकों में पलम तुड़वान का कार्य जोरों पर चल रहा है। मोहन सिंह ठाकुर बागवान निरसू निवासी, इस बार उनकी फसल कम है, करीब 1400 बॉक्स पलम है जबकि 3000 बॉक्स अक्सर निकलता है, लेकिन कंडियाली में उनका पलम आरती 600 रुपए प्रति बॉक्स ले रहे हैं। उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिल रहा है। जो दाम लगभग ठीक मिल रहे हैं, हमारा माल, मैंने जो माल भेजा है वो ये कंडियाली नारकंडा में न्यू अगमा करके वहाँ फर्म है, अच्छी फर्म है, और दिल्ली में भी उनका फर्म है, तो उनको भेजा है और उन्होंने बहुत अच्छा बेचा है मेरा, 600-500 इस तरह से गड बेच दिया है, लार्ज मीडियम स्मॉल। और पहले वो सेब का काम करते थे, तो इस वजह से उन्होंने स्टोन फ्रूट का काम भी शुरू कर दिया, लोगों को देखते हुए उनका, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। नेपाली मजदूर महिला ने बताया कि लॉकडाउन खुलने से उन्हें पलम सीजन में पैसा ठीक मिल रहा है, बाल बच्चों की रोटी ठीक चल रही है, अब वे काफी खुश हैं। नगाला बुढ़ा मुई नेपाल का सुर्खेत इलाके में रहती हूँ, इधर आया 4 महीना हो गया, 2 महीना लॉकडाउन में फंसी गया, तब हमारा दिल बहुत रोगा था, तब बोला तब भारत सरकार ले रेख करेगा, तब हमारे लिए देखे नहीं, हम तो बहुत दिल में रो रहा था, हमारे बच्चे पालने का मुश्किल हो रहा था, तब अभी हल्का ये सीजन चली गया, थोड़ा पलम का सीजन खुल गया, तब अब हमारा दिल खुश है, थोड़ा बाल बच्चे को रोटी खाने के लिए, हमारा कमाने के लिए, तो इतना उतर सब थोड़ा बहुत अच्छी हो रही है, पलम में अच्छी हो रही है। अभी करसोक से पलम भरने आए इसपाल ने बताया कि वे मजदूरी करते हैं, लॉकडाउन खुलने से उन्हें पलम सीजन में काम मिल गया है, अच्छी दिहाड़ी लग रही है। नमस्कार जी, मेरा नाम यशपाल और मैं करसोक का रहने वाला हूँ। लॉकडाउन की वजह से हमारा घर में जो है थोड़ा बहुत ही समय व्यतीत ऐसे ही हो गया, जिससे हम कोई कुछ भी कमा नहीं पाए, जैसे ही लॉकडाउन खुला तो उसके बाद हम पलम सीजन में अच्छी दिहाड़ी कमा रहे हैं। निरसू के ईश्वरी ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से वे डरे थे पलम नहीं बिकेगा, लेकिन अब सब ठीक हो गया है, पलम सही से बिक रहा है। नाम शेरबहादुर थापा, जाजरकोट जिला छेड़ागार नगर पालिका वडा नंबर 3। हाँ, मैं अब इधर आया हुआ 6 महीना, 6 महीने में 2 महीना लॉकडाउन में फंस गया, फिर लॉकडाउन में फंस गया तो उस टाइम में रोटी खाने का भी बहुत मुश्किल हुआ था, और फिर थोड़ा लॉकडाउन खुकुला हो गया तो फिर इधर पलम का भी सीजन चल गया, तभी अभी रोटी खाने के लिए सही होता है, अभी पलम का सीजन में थोड़ा कमाई भी ठीक हो रही है। अब कितनी दिहाड़ी बन रही है? अभी बन रही है 500 दिहाड़ी।